आईआईटी जेई रैंक 781, एम्स रैंक 66, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड सिल्वर मेडलिस्ट, दीज आर नो मीन फीट्स. टुडे वी गेट डीपर इन टू द जर्नी ऑफ सूर्यदीप मॉडल एंड फिगर आउट द सिस्टम्स थ्रू विच इट जस्ट क्रैक्ड इट. ये आपको कब रियलाइज हुआ यार कि ठीक है अभी जेई की प्रिपरेशन करनी ही बनती है, ये पता कैसे चला फर्स्ट टाइम जेई के बारे में? जी जेई के बारे में तो मुझे मोस्टली मेरे दोस्तों से पता चला था. मुझे मतलब सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर होता है किसी को एजुकेशन वगैरह का तो मुझे दुर्गापुर में मिला, क्योंकि दुर्गापुर में मतलब ऐसा बहुत ही कॉम्पिटिटिव सा एनवायरमेंट था और बाकी जहाँ भी मैं गया था इससे पहले वहाँ ऐसा एनवायरमेंट मिला नहीं मुझे. तो बेसिकली वहाँ सब जेई की तैयारी कर रहे थे इसलिए मुझे भी लगा मुझे भी करना चाहिए, ऐसा शुरू में हुआ था मेरे साथ. तो ये कौन सी क्लास में पता चला? ये मुझे क्लास 8 में पता चला कि ऐसा कुछ होता है. तो वहाँ पे लोग 8th क्लास से जेई की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं क्या? जी वहाँ पे तो एक्चुअली क्लास मतलब जब से फिजी लेता है स्टूडेंट्स को क्लास 5 से शायद तभी से शुरू हो जाता है कुछ दोस्तों. ओह अच्छा. तो अगर बट वहाँ पे फिजी नहीं होता तो ये नहीं पता चलता लोगों को या कोई दूसरे सोर्स से पता चल जाता? पता नहीं सकता, मुझे तो लगता है कि मतलब जैसे फिजी आया और फिर मतलब जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी कि आईआईटीज होते हैं ये वो, तो शायद मुझे तो लगता है कि फिजी वगैरह आए कोचिंग वगैरह आए इसलिए पॉपुलर हुआ इतना चाहिए वहां. नहीं तो करेक्ट समझ गया. तो ठीक है 8th में आपको पता चल गया एंड उसी वक्त आपने सोच लिया था कि यार अभी तो जेई करना है? नहीं ऐसा तो था नहीं, मतलब कोचिंग वगैरह में तो मुझे पेरेंट्स ने इसलिए डाला ताकि मैं एग्जाम्स मतलब क्लास 8th 9th में एग्जाम्स में जो स्कूल के होते हैं उसमें अच्छा कर सकूं. तो वो बेसिकली ट्यूशन डालने से बेटर है यार चलो फिजी में डाल लो. हाँ ऐसा उन्होंने सोचा और फिर बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ा तो फिर रियलाइज हुआ जेई आईआईटी वगैरह फिर उसका केस देखा मैंने स्टूडेंट्स में फिर करेक्ट. हाँ फिर ऐसे आगे आगे फिर रियलाइज हुआ कि जेई क्या है कैसे करना है. फिर 11 12 तक आते आते फिर पूरा एकदम मेन स्ट्रीम प्रिपरेशन में लग गया. राइट राइट. बट आपने ज्वाइन वो फिर भी 9th में ही कर लिया था राइट? हाँ मैंने 9th में ज्वाइन कर लिया. तो जो फिटजी का कौन सा फाउंडेशन प्रोग्राम बोलते हैं उसको? वैसे तो 4-year प्रोग्राम बोलते हैं 9th 10th 11th 4 साल कंटीन्यूअस. सो उसका आपको लगता है उसका बेनिफिट हुआ कि आपने 9th में शुरू कर दिया था एज कंपेयर टू अदर्स जो जिनको मे बी 10th में बीच में रियलाइज होता है कि यार अच्छा ऐसा कुछ होता है और वो फिर स्टार्ट करते हैं? नहीं मुझे लगता है बेनिफिट तो हुआ है, मतलब ऐसे स्कूल के स्टडीज में इंप्रूवमेंट हुई है मेरी, एग्जाम्स में स्कोर्स तो ऐसे अच्छे हुए थे. उसके अलावा भी जैसे 10th वगैरह में फिर एनटीएससी होता है ओलंपियाड्स होते हैं तो फिर और एक चीज होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप इतने लोगों के बीच में बार बार एग्जाम देते हैं. स्कूल का एग्जाम तो शायद साल में 2 या 3 बार ही होगा लेकिन ये एग्जाम होते रहते हैं तो फिर आपका एक्सपीरियंस बनता है और फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. 11 12 तक आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि मतलब तब आपका किसी से ऐसा होता है कि डर नहीं रहता है. बट डर नहीं लग रहा था यार क्या, एक तो पीसीएम ऑलरेडी है अब इसमें बायो भी आ जाएगा. मतलब मैं ऐसे तो कभी पढ़ा नहीं कि चलो पी है सी है, मैं मतलब एज ए होल साइंस में पढ़ता था उसमें और मैथ्स भी. हाँ तो मतलब ऐसा मैंने कभी डिवाइड नहीं किया कि मुझे पी और सी अच्छा लगता है मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं, तो मैं सबको एक साथ कलेक्टिवली पढ़ता था और मुझे लगा कि अगर मैं बायोलॉजी को छोड़ देता हूँ तो मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मेरे हाथ से छूट जाएगा. ग्रेट यार. तो अब 11th शुरू हो गया, स्कूल के साथ साथ फिटजी भी चलता होगा, ओवरऑल 11th में कैसी परफॉर्मेंस रही थी आपकी और मतलब ठीक है ओवरऑल मैनेज कैसे करते थे ये सब चीजें? देखिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता था शेड्यूल जिस दिन मतलब फिटजी और स्कूल दोनों रहता था. okay. बाकी दिन तो थोड़ा सा फिर भी पीस रहता था लेकिन जैसे जिस दिन फिटजी और स्कूल दोनों रहते थे तो जैसे ही मैं स्कूल से आया 2 बजे और 4 बजे फिटजी की क्लासेस रहती थी तो फिर बीच में मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता था खाना खा के अराउंड 30 मिनट्स 45 मिनट्स पावर नैप तो ताकि मैं फिर रिफ्रेश हो जाऊँ बिफोर गोइंग टू फिटजी. एंड और सुबह से फिर स्कूल वगैरह में तो मतलब ऐसा रहता था कि मैं थोड़ा पीछे बैठ के जो भी क्लास फिट्स वगैरह में कराया तो कुछ क्वेश्चन वगैरह दिया होमवर्क तो वो करता था एक बार रिवाइज कर लेता था.
और फिर वापस आके फिर से जो भी मैंने नोट्स लिखा उनको मैं एक बार रिवाइज करता था। तो ऐसा करके फिर जिस दिन मैं फ्री होता था शाम को, जिस दिन कोचिंग वगैरह नहीं होता था, तो उस दिन मैं जो पैकेजेस मॉड्यूल्स मिलते थे फिर से उनको बैठ के सॉल्व करता था। तो ऐसे ऐसा करने से फिर कभी कभार जैसे रेगुलरली मतलब अराउंड हर हफ्ते या फिर शायद दो हफ्तों के बाद में वीकेंड्स में जो भी मैंने दो हफ्तों में पढ़ा उसको एक बार रिवाइज वापस से रिवाइज, और सिर्फ दो हफ्तों में फिर मतलब और मतलब जो भी पहले पढ़ा था मैंने वो सबको एक और बार रिवाइज, ताकि मतलब मुझे याद रहे कि मेरे मतलब क्या क्या हो चुका है, क्योंकि अगर मैं पीछे का भूल जाऊँ तो फिर आगे का वापस से लेने में दिक्कत होती है। करेक्ट। सो इसमें मुझे ये बताया, तो आपने जो पूरा भी बताया इसमें वैसा रहता था आप वही आपका ऐसा, आपने ये भी बताया था कि आप ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी उठ जाते थे, मतलब जो आपका वेकअप टाइम था वो वैसे ही था कि बस स्कूल पहुंचे टाइमली। सो तो आप ऐसा करते थे कि यार ठीक है जो आपका रेगुलर फिट्जी डेज है उसमें स्कूल में जब कभी भी टाइम मिलेगा तो एक बार उसको देख लिया, फिर फिट्जी से पहले एटलीस्ट उसका जो पिछली क्लास में पढ़ाया होता था वो रिवाइज हो चुका होता था, और वापस से फिट्जी में जो पढ़ा दिया वो एंड ऑफ डे पे आपने वापस से रिवाइज कर लिया, एंड इस पूरे का रिवीजन आपने वीकेंड पे कर लिया, प्लस जो दिन वो दिन जो होते थे जिस दिन फिजिक्स की क्लास नहीं होती थी उसमें आपने क्वेश्चन लगा लिए। ये एक आपने सेट फॉर्मेट बनाया और इसी को आपने बार बार घुमाया, आपने रेप्लिकेट किया वीक ऑन वीक, राइट? ये आपको कैसे, ये किसी ने बताया था कि यार ऐसे करना चाहिए फिजिक्स में, किसी ने बताया था, किसी सीनियर ने बताया था, हाउ डिड यू अराइव एट दिस? एक्चुअली मेरी फिजिक्स में हमारी तो मेरे दो साल पहले की बैच में आयरिन घोष थी, वो शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल सकते हैं उनको, तो उन्होंने आईजीएसओ क्लियर किया था, फिर उन्होंने आईसीएचओ में भी उनको गोल्ड मेडल मिला था। आयरिन घोष आई थी, फिर उन्होंने मतलब बताया था कि वो कैसे फॉलो करती थी अपना शेड्यूल और फिर उन्होंने क्या क्या किया, तो मतलब उनके जितना तो मैं नहीं कर सकता था लेकिन मैंने सोचा कि उसमें से थोड़ा बहुत इनपुट ले लो, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे फोकस करके बताया था कि आपको हमेशा रिवीजन करते रहना है, क्योंकि अगर आपने रिवीजन छोड़ दिया तो एंड में आपके साथ मतलब आप कवर नहीं कर पाओगे, आप डर जाओगे, क्योंकि मतलब पेरेंट्स ने बोला है और सब आशा लिए बैठे हैं तो हमें भी करना है कुछ। और इसके अलावा भी उन्होंने बोला था कि हर रोज मतलब वो 7 to 8 hours ऑफ स्लीप कंपल्सरी है, क्योंकि अगर आप नहीं सोते हैं तो फिर अगले दिन आपको आपका सर दर्द करेगा, आपको कुछ और हो सकता है, तो आपका मूड नहीं बनेगा पढ़ने का, तो आप स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। तो मैं छोटा भी जल्दी था, 11:30-11:30 बजे और उठ जाता था, मतलब 6:30-7 बजे तक उठ जाता था, क्योंकि उसके बाद स्कूल होता था 8 बजे से। सही बात है, मतलब आई गेट योर पॉइंट एंड दैट्स फेयरली अंडरस्टैंडेबल। सो आपने यहां पे एक चीज करी कि ठीक है जिसको आप देखते थे मतलब द पर्सन हुम यू लुक्ड अप टू, आपने उनका एक प्रोसेस लिया और आपको जो लगा कि यार वर्कआउट करता है उसको बेसिकली आपने रेप्लिकेट कर दिया, एंड फिर वो डे इन एंड डे आउट रेप्लिकेट करते गए करते गए करते गए, और जैसे आपका 11th तो एटलीस्ट निकल गया, 12th में भी आपने सेम चीज करी? जी सेम ही था, मतलब ऐसा बन गया था कि क्योंकि मुझे इससे फायदा खुद हो रहा था तो फिर मैंने सोचा कि मैं चेंज अभी तो फिलहाल तो नहीं, पर मतलब ऐसा था कि जैसे आई थिंक शायद वो हर रोज ऐसा करती थी मेरे साथ, कभी कभार ऐसा कि किसी किसी विकेट पे मैंने ऐसे चीट कर लिया कि चलो आज नहीं पढ़ रहे मॉल चला गया, किसी किसी विकेट पे मैं तो अब रोज एकदम एग्जैक्ट टाइम टेबल तो फॉलो हो नहीं पाता था, क्योंकि थोड़ी बहुत सही बात है। ये इसमें आपको कहीं पे पूरे प्रोसेस में कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट आया यार वेयर यू नो थिंग्स डिडंट वर्क आउट द वे यू वांटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? जी एक्चुअली ऐसा हुआ कि जेई क्योंकि डिले हो गया था, तो वो जेई था 27th को, एम्स था 25th को, तो ओके हां, तो फिर ऐसा हुआ कि मतलब पेरेंट्स तो बोल रहे थे कोई एक ही दे, जो मैंने सोचा कि अब प्रिपेयर किया है दोनों के लिए तो दे सकते हैं, और बायो तो मैंने उतना एंड में शायद बायो उतना पढ़ा नहीं था, क्योंकि मतलब बायो मेरा ऑलरेडी क्योंकि मैंने ज्यादा पढ़ लिया था नीट उससे पहले था, तो नीट के लिए बायो पढ़ा हुआ था, मुझे लगा कि मैंने एंड टाइम पे रिवीजन कर लिया था बायो का, और उसमें मैं भूलता नहीं जल्दी से बायो, क्योंकि कोई तो रीजन है शायद याद है इंटरेस्ट है। करेक्ट। तो और फिर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी नहीं, फिजिक्स और मैथ्स में ज्यादा ध्यान दिया, और मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है, शायद बायो स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैथ्स वीक है, तो मैथ्स थोड़ा वीक है, और तो मैंने सोचा कि ये जो टाइम है मेरे पास मैं मैथ्स में पूरा लगाया था, ताकि कुछ भी हो जाए मैथ्स में थोड़ा सा अच्छा करना ही है पहले से, तो और मेरा पहले जैसे फिजिक्स में AIDS वगैरह होता है उसमें परफॉर्मेंस तो खराब थी मेरी, बहुत अच्छी नहीं थी, और मैथ्स वगैरह में बहुत ही मतलब थोड़ा सा भी घुमा फिरा के आ जाता था तो फिर बहुत टाइम लगता था, और मेरी सबसे वीक टॉपिक शायद से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थी, और क्या था वो
मोस्टली हाँ शायद सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत वीक थी मेरी, तो फिर उस पर ध्यान दिया मैंने फिर एंड टाइम पे, ताकि बाद में कभी पछताना ना पड़े कि अगर मैं ये कर लेता तो शायद हो जाता, वो शायद ताकि ना आए, तो मैंने एंड टाइम पे ध्यान दिया और जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी मैंने लिखा पेपर पे, फिर हर एक टॉपिक को मैंने कवर किया, फिर से कवर किया, फिर उस पर क्वेश्चन देखे मैंने पिछले साल के यूनिसेस के पेपर्स कवर किए, फिर जो भी आई टी एस के क्वेश्चन मेरे से पहले बने नहीं थे उस टाइम पे मैंने उनको वापस से देखा, ताकि एक कॉन्फिडेंस आया, तो उन सबसे कॉन्फिडेंस आया मुझे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अब मेरा मैथ्स थोड़ा सा पहले से बेटर है और मैं अभी कर सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट, got it, fair enough यार, ठीक है यार, so tell me this thing, so ये काफी जो भी आपने पूरा schedule बताया इसके अंदर आप bio भी include करते थे, वो कब पढ़ते थे? bio तो जैसे मैंने बोला bio मैं ना तो नहीं पढ़ता, mostly मैं school में cover up कर लेता था, क्योंकि bio class में हमारी मैम सिर्फ questions पूछती थी हमसे, इतना पढ़ाती नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा पीछे बैठ के उस टाइम पे अपनी NCERT की किताबें ऐसे पढ़ता था, अंडरलाइन वगैरह करता था जहाँ भी करना है, और जैसे मेरे वीकेंड्स पे मैं सॉरी तो मैं वीकेंड्स पे बायो की एनसीईआरटी वगैरह में वापस से वीकेंड्स पे रिवाइज करता था, और फिर उसमें से फिर उसके साथ मैं एक दो घंटा एक्स्ट्रा टाइम निकालता था वीकेंड्स पर, रात को एक्चुअली सोते समय कैम्बल पढ़ने के, कैम्बल बायो की बहुत अच्छी किताब, तो उसको हाँ तो मैं उसको पढ़ता था, उससे समझ आती थी कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, तो फिर और कुछ डाउट्स वगैरह होते थे तो स्कूल टीचर से पूछ लेता था, और टीचर्स अच्छे थे, ऐसे डाउट्स वगैरह क्लियर कर देते थे जो भी डाउट्स आते थे बायो में, तो और फिर अगर ऐसा कुछ हुआ कि क्लियर नहीं हुआ तो तब इंटरनेट है ही आपके लिए, और ऐसा करके मैनेज हो गया, मुझे उतना मुश्किल कभी लगा नहीं बायो, मैं नोट्स बना लेता था फिर पढ़ाई वीकेंड। तो मुझे इसमें वो लग रहा है कि आपने वो बेसिकली बायो भी उसी के अंदर असिमिलेट कर ली, क्योंकि वो वाला जो पूरा एक प्रोसेस है कि रिवीजन का और वीकेंड पे कुछ रिवाइज करने का, क्लास में पीछे रिवाइज करने का, उसमें ही बायो भी आ गई, सो आई थिंक क्योंकि जो आपने प्रोसेस बनाया था वो काफी रोबस्ट था, वो काफी स्ट्रांग था, इस वजह से उसमें में भी बायो भी आ गई, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ना। नहीं मतलब वो हर सब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, बायो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन तो खैर मैं एग्जाम से पहले ही पढ़ता था, और इंग्लिश का ऐसा था कि मैं शायद संडे को एक घंटा चैप्टर्स पढ़ता था, उनसे शॉर्ट नोट्स बनाता था लिटरेचर से, और बस हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे उनको एक सेपरेट कॉपी में लिखता था, उनके लॉन्ग आंसर्स की जगह मैं उसमें पॉइंट वाइज लिख देता था, क्योंकि फिर बाद में जब आप एग्जाम से पहले लॉन्ग आंसर्स पढ़ोगे तो आपका दिमाग चकरा जाता है, आप पॉइंट्स पढ़ लो और एग्जाम में आप उसको लॉन्ग फॉर्म में लिख दो, उसमें ज्यादा करेक्ट करेगा आएगा दैट, यार काफी वैलिड पॉइंट है। सो इसमें मुझे एक चीज बताओ, ये जो आप पूरा प्रोसेस करते थे इसमें इतना देखो मतलब एट द एंड ऑफ द डे एज ह्यूमंस ये काफी लोगों को बोरिंग लगेगा, ये लगेगा आपको भी काफी बड़ लगता होगा, सो ये आई थिंक बोरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब वो बोर्डम रहता था डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते थे, तो डिस्ट्रैक्शन यार देखो 10 तारीख की डिस्ट्रैक्शन होती है एक आपका एटलीस्ट आपके आपके एरा में, तो ये टिकटॉक वाला भी पूरा एक सीन रहा होगा, नेट है, फेसबुक है, उस पे भी मूवीज वगैरह भी आती है, नेट पे हर कुछ आपके पास अवेलेबल है देखने के लिए, तो मतलब वो उस टाइप के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते थे? जी तो उसके लिए तरीका ऐसा है, घर पे टीवी का कनेक्शन पहले कट कर दिया पापा ने, वेरी गुड, और उसके बाद मैं उस रूम में बैठता था जिस रूम में टीवी या फिर फोन नहीं रखा जाता था, फोन एक ही था घर में, फोन भी नहीं था टैब था, और वो मतलब मोस्टली मम्मी के साथ ही रहता था, मेरे साथ कम ही रहता था, और किसी दोस्त के पास मेरा फोन नंबर भी नहीं था, और फेसबुक वगैरह तो भूल जाइए, फेसबुक तो मतलब ऐसा मतलब घर पे चलाते नहीं था फेसबुक, उस टाइम बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता था फेसबुक पे, और उसके अलावा जब ऐसा लगता था कि बोर हो रहा हूँ तो यूट्यूब पे मैं वीडियोज देखता था, ज्यादातर टेडेड का नाम पे चैनल है, उसमें बहुत अच्छी वीडियोज आती है एडुकेशनल, कोई भी अच्छा सा कॉन्सेप्ट हुआ कैसा भी हिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट का, ये बताओ अगर किसी फ्रेंड को कुछ कनेक्ट करना हो तो मतलब कोचिंग में फोन तो लेके जाते होंगे? नहीं नहीं लेके जाते थे, वेरी गुड, तो अगर मान लो कभी यार कुछ आने जाने में ट्रांजिट में कुछ वैन वगैरह कभी खराब हो गई कैसे आते जाते, कैसे पैदल आता रहता था 15 मिनट का रास्ता था, समझ गया, तो इसलिए फोन का वो झंझट ही नहीं रखा? नहीं ठीक है, आई थिंक पहले भी तो होता ही था बिना फोन। हाँ जी पापा मम्मी थोड़ा कंजर्वेटिव हैं तो वो उनको लगा कि फोन वगैरह देने से बच्चा बिगड़ जाएगा, आपको अभी लगता है उसका फायदा हुआ? जी फायदा तो शायद हुआ क्योंकि मुझे खुद लगता है कि अगर फोन वगैरह होता तो मैं और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता। आप ओवरऑल कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए और क्या करते थे, क्योंकि यार दो से दो के हफ्ते तो 4 साल हो गए, काफी लंबा स्ट्रेच है।
तो ठीक है, ये सब आपने अपना सिस्टम ऐसे बना रखा था कि एक तो रूटीन है, दूसरा डिस्ट्रैक्शन फ्री सिस्टम है कि मोबाइल वगैरह नहीं, यूट्यूब वगैरह नहीं, और वो आदत ऐसी पड़ गई थी फिर जब आता भी था तो एटलीस्ट बीबी के वाइंस वगैरह नहीं देखते थे। बट और कुछ चीजें आप करते थे टू इम्प्रूव योर फोकस? जैसे छुट्टी के दिन में मैं सुबह जैसे उठता था तो वैसे माँ म्यूजिक लगा देती थी और बंगाली क्लासिकल म्यूजिक, तो उससे थोड़ा तो म्यूजिक वगैरह सुनता था तो उससे थोड़ा रिलैक्स रहता था। और फिर कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप करने के लिए जैसे मैं पढ़ने बैठूंगा तो पढ़ने बैठने से पहले मैं पहले 5-6 मिनट ऐसे पद्मासन में बैठा, आँख बंद किए और फिर ऐसे ही ऊपर सांस लेता था, सांस छोड़ता था और सांस छोड़ता वो मैं ऐसे चैंटिंग करता था। करेक्ट, तो ऐसे कंटिन्यूअस चैंटिंग से और फिर जैसे दिमाग में ना, दिमाग में आप एक मैं ऐसा इमेज एक ऐसा क्रिएट करना रहता है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हो। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स में सपोज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरा दिमाग में ऐसे थर्मोडायनेमिक्स ऐसा विजुअलाइजेशन होता है। तो इससे मतलब ऐसे आँख बंद करके आप 5-6 मिनट ऐसे मेडिटेट करोगे तो आप फिर जब सब्जेक्ट पे जाते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन तो बना रहता है, 1-2 घंटा ऐसे कंटिन्यूसली अगर आप पढ़ रहे हो तो ऐसा करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है। यार आई एग्री, सो थिंग इज कि इतनी भागदौड़ी में बहुत सारे लोग इन सब चीजों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट दीस थिंग्स वर्क। सो ये काफी अच्छा मेथड बताया यार तुमने। और बताओ, आई थिंक अगर कोई भी देख रहा है जिसको समझना है कि ठीक है कंसंट्रेशन पे क्या हेल्प करता है। नहीं और मतलब ऐसे ही रिलैक्सेशन थोड़ा जरूरी रहता है कि मतलब जैसे आप कोई एक लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ रहे हो तो बीच बीच में ब्रेक्स लीजिए। फिर मैं तो पावर नैप्स ले लेता, जैसे पूरा दिन अगर मुझे जेई के एंड टाइम पे जैसे 12 घंटे पढ़ना है तो फिर मैं हर 3 घंटे में या फिर कुछ टॉपिक्स खत्म हो गए तो उसके बाद मैंने 5-10-15 मिनट जितना भी मुझे लगा कि ब्रेक ले लिया एक बार, फिर मैं ऐसे सो गया थोड़ी देर। मैं मैट पे पढ़ता था, स्टडी टेबल नहीं था तो मैट पे ऐसे सो गया मैं, और सो गया मतलब शवासन में, तो शवासन में और फिर मतलब ऐसे ही फिर दिमाग में तो थोड़ी देर के लिए काम किया एकदम। और साथ ही साथ अगर मन किया तो कभी कभार ऐसे मांग के फोन मांग के म्यूजिक वगैरह सुन लेता तो उससे फिर रिलैक्स हो गया। फिर अगले सेट ऑफ सब्जेक्ट, सेट ऑफ टॉपिक्स जो भी मुझे कवर करने हैं वो सेट ऑफ टॉपिक्स के लिए मैं फिर से मतलब रिफ्रेश हो गया कि अब एकदम मैं जैसे शुरू में मेरा जैसा माइंड था वैसा वापस से माइंड हो गया और मैं उन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार मेडिटेट करता हूं। यार तो इनफैक्ट जब मेरी जेई की प्रिपरेशन चल रही थी तो हमारे फिजिक्स के एक सर थे, एके जी सर बोलते थे हम उसको बंसल क्लासेस में, वो एक चीज बताते थे तो वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को ऐसा बोलते थे कि आपके दिमाग में ना अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऐसे चलते रहते हैं और उसमें फ्लक्चुएट से करते रहते हैं। आप अगर उसको फ्लक्चुएट होने दोगे तो वो फ्लक्चुएट करते रहेंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है फोकस करना ताकि वो बस स्टिल रहे। वो अगर प्रैक्टिस में स्टिल रहने लग जाएंगे तो एग्जाम के टाइम पे भी वो स्टिल रहते हैं, तब आप एटलीस्ट वो वाइब्रेशन नहीं होगी, नर्वसनेस नहीं होगी, ये सब जो तो इट्स ऑल अबाउट अगेन कमिंग बैक टू ये पूरा सेटअप कि आपने एक सेटअप बनाया उसी को रिपीट किया उस सेटअप में। ये वाले भी थे कि आई थिंक आपने काफी सारे सिनेरियोज हैं जो ऑलरेडी इतने अंदर तक इनबिल्ट कर दिए थे कि ठीक है कभी अगर डिस्ट्रैक्शन होगा उससे बचने के लिए क्या करना है, कभी कोई फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ये एक आ गया जो आपको पता है कि ये सही नहीं है, अब उसको बीट करने के लिए फिर आई थिंक आपने ज्यादा टाइम दिया और कुछ अलग अलग जगह से क्वेश्चंस लगाने लग गए। सर ये आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि ठीक है अगर मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो रेदर देन गिविंग इट अवे उसको पकड़ के एक बार देखूं कि उस पे और क्या-क्या चीजें करी जा सकती है। ये काफी सही है। ठीक है यार तो ओवरऑल बढ़िया से जेई भी हो गया, AIPMT भी बढ़िया से हो गया, रिजल्ट आया था तो क्या रिएक्शन था? रिजल्ट आया था एक्चुअली तब मैं इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड के प्री डिपार्चर कैंप में था, तो तब कहां पे? मुंबई, मुंबई में। तो फिर आसपास जो आसपास जो भी थे उनका रैंक मेरे से बहुत अच्छा था, अच्छा वगैरह और उन्होंने जेईई वगैरह दिया नहीं था तो फिर मतलब तो नीट में आपका 66 रैंक था? नहीं नीट में 156 था और मेरे कंपैरिजन में मेरे कंपैरिजन में उनका 2218 ऐसे रैंक्स थे। यार सॉरी मुझे ये भी नहीं पता नीट क्या होता है, ये आई थिंक अभी रिसेंटली आया है, ये किसके लिए होता है, कहां जाने के लिए? AIPMT होता था, AIPMT को अभी नीट बोलते हैं। नहीं ओ अच्छा तो उसमें आपकी 156 रैंक आई जी। और एम्स वगैरह ऐसा होता है उनका मतलब एम्स एक अलग इंस्टीट्यूशन था मतलब है और मतलब तो उसका इतना इंडिपेंडेंस था कि उसके एडमिशंस वो खुद के एग्जाम से लेते हैं, तो एम्स का अलग एग्जाम था। हाँ अभी तो ये 2020 से अभी वापस से बंद कर दिया एम्स वगैरह का अलग एग्जाम, अभी सिर्फ नीट हो गया। तो हाँ तो तब नीट एम्स और जिपमर 3 अलग अलग एग्जाम्स होते थे। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो एम्स का एग्जाम है इसका जब रिजल्ट आया था तब क्या रिएक्शन था? तब भी मतलब एक्चुअली एम्स में पापा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टॉप 50 में होगा, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो जाए चलो,
फिर जब नहीं हुआ 66 रैंक आया तो काइंड ऑफ मिक्स्ड रिएक्शंस थे कि क्या बात कर रहा है 66 में अच्छा रैंक है उसे कुछ फर्क पड़ता है कि 66 में भी सिलेक्शन तो मानते ही है ना हाँ जैसे IIT बॉम्बे का CAC होता है तो वैसे एम्स दिल्ली में एडमिशन होते हैं तो एम्स दिल्ली में जनरल कोटा में अराउंड 51-52 तक जाता है कट ऑफ तो इसमें वैसा होता है क्या कि इसमें दिल्ली नहीं होता कोई दूसरा एम्स होता हाँ क्योंकि दिल्ली बना था 1950s में और बाकी दूसरे भी 2012 से स्टार्ट हुआ करना ऐसे बने तो फिर दिल्ली नहीं मिलता तो ऐसे तो क्योंकि दिल्ली में 107 सीट्स है और जनरल में सिर्फ 50 है और आपको विद इन 100 रैंक आपको थोड़ा सा दुख होगा कि आपको नहीं मिला करेक्ट 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 आई गेट दैट जेई का जो आया था जेई का 781 था मम्मी तो विद इन 500 एक्सपेक्ट कर रही थी पापा खुश थे यार तुम्हारे सही यार बढ़िया बाकी ओवरऑल कैसा चल रहा है केजीपी में केजीपी तो मतलब अच्छा मतलब जैसा इमेज बनता है वैसा तो नहीं है लेकिन मतलब खुद में अच्छा है आप अच्छा ढूंढ सकते हो आपको जैसे जैसे सपना वाला होता है कि प्रोफेसर्स एकदम मैजिकली हेवन से आए होंगे बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे वैसा नहीं है आपको आईआईटी की कहानी है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मिलेगा लेकिन फिर आप अंदर जाओगे आपको जैसे हॉस्टल्स में टॉयलेट्स में टूटा वोटा रहता है थोड़ा बहुत लेकिन फिर आपको जैसे आपके दोस्त होंगे आपके साथ पीयर टू पीयर यहाँ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है और फिर आपको एक्सप्लोर करने मिलता है आपके दूसरे टैलेंट्स को आप 4 साल पढ़ाई किए बस पढ़ाई करते हैं यहाँ आके आपको बहुत बड़ा एक ग्राउंड मिलता है आपको खुद को एक्सप्लोर करने का बहुत सारी सोसाइटीज है डांस म्यूजिक डिबेटिंग आपको जो करना है आप कर सकते हो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है आप तो क्या कर रहे हो क्योंकि मुझे तो ये भी पता है कि आपकी अभी वहाँ पे 9.3 CGPA चल रही है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में तो आपने मगाई तो आपकी वहाँ पे भी ऑन है यहाँ पे मतलब तो पढ़ाई तो यहाँ पे कम कर दिया उतना नहीं पढ़ना पड़ता जितना जेई के टाइम पे पढ़ना पड़ता था और सिलेबस भी ऐसा है कि आपने जेई से पहले फर्स्ट ईयर का जितना भी वो आपने कम से कम एक बार तो पढ़ा होगा जेई से करेक्ट आई एग्री तो वहाँ पे क्या करते हो इस एक्स्ट्रा करिकुलर्स में क्या करते हो नेट तो इंटरनेट बहुत ज्यादा है तो मूवीज वगैरह रोज एक दो तो देख लेता हूँ अभी okay, और ऐसे नॉर्मल डेज में मोस्टली शाम को खेलने जाता हूँ वॉलीबॉल और फिर कुछ सोसाइटीज हैं फिर रिसर्च ग्रुप्स हैं सोसाइटीज में स्पेस टेक्नोलॉजी सोसाइटी है तो उसमें ऐसे ही उनका काम रहता है थोड़ा बहुत फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज किया इस साल मैंने तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके अलावा रिसर्च ग्रुप्स में टीम कार्ट है तो उसमें हम गाड़ी बनाते हैं फॉर्मूला 1 टाइप कार्स तो बन गई मतलब नहीं अभी तो मतलब हमारे वैसे अभी बना रहा है बाय द वे मुझे पता है कि आप तुम लोगों ने पहले बना रखी है गाड़ी एंड आई सी मतलब बना अच्छा बनता करेक्ट हां और उसके अलावा फिर AGV में ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल्स बनाते हैं मतलब उस पे रिसर्च वगैरह करते हैं फिर कॉम्पिटिशन वगैरह इस बार तो कैंसिल हो गया कोई नहीं पर मतलब करेक्ट सीखने के लिए बहुत स्कोप है यहां पे आपको जो सीखना है आप वो सीख सकते हो करेक्ट आई एग्री सही है मतलब आई थिंक मचा है तो है ही तुमने देखो अभी तक हाँ ठीक है बाकी चलो यार थैंक्स अ लॉट तुमने टाइम निकाला थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर